This video contains strong words, so please put on your earphones and. पर भाई गांड गाली नहीं होती है. वो वक्त था जो गुजर गया कब का, वो दीवाना था जो मर गया कब का, उसका जो हाल है वो वही जाने, अपना तो जख्म भर गया कब का. तो गाइज एंड गाइज, क्योंकि कोई लड़की नहीं देखती है वीडियो, क्या बोलते हो, क्या चल रहा है आजकल. बैक विद अनदर इट बोल बुल वीडियो. और आज के वीडियो में तुम लोग को बहुत ही बेसिक सा ट्यूटोरियल बताऊंगा किस तरह से तुम लोग इस तरीके के लंबा सफ़र शॉट ट्राई कर सकते हो, सीख सकते हो. मैंने किस तरीके से सीखा था ये बहुत ही पहले की बात है, तो बहुत ही बिगनर सा ट्यूटोरियल है. तो ये उन्हीं लोगों के लिए है जिन्हें तकलीफ़ होती है इस तरीके से लंबा सफ़र शॉट खेलने के लिए. बाकी प्रो लोग कमेंट सेक्शन में बचनबाजी ना करें. तुम लोग को बता दूँ कि देखो सारे के सारे डॉट एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है. सबसे पहली बात यहाँ पर तुम लोग देख लो, तुम लोग को समझ में आने के लिए मैं दोबारा से कह रहा हूँ, ये बिगनर लोग के लिए है, ठीक है. तो ये डॉट देख लो जहाँ पर मैंने ब्लू सर्कल मार्क किया हुआ है, ये डॉट टू डॉट अगर तुम्हारा बॉल की जो पोजीशन है वो उसके बीच में कहीं फॉल करती है, अगर तुम लोग बॉल वहाँ पर रख के मारोगे तो वो पॉकेट हो जाएगा. सेम इसी तरीके से यहाँ पर देख लो, सेंटर की पोजीशन से सेंटर के डॉट पे अगर तुम लोग मारोगे तो वो फिर से पॉट हो जाएगा. तो अब अपने इससे फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारा ब्लैक बॉल कहाँ पर है, बस तुम्हारे दिमाग में ये डॉट वाली पोजीशन, डॉट की जो लाइन है तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए और तुम लोग कोई भी लंबा सफर शॉट ईजिली खेल पाओगे, ठीक है. तो ये अभी अपने ब्लैक बॉल की पोजीशन में तुम लोग को सिखा दो कि इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे. सबसे पहले तुम्हें देखना है कि तुम्हारा जो बॉल है जिसे तुम खेलना चाहते हो लंबा सफ़र शॉट वो कहाँ पर है. अभी यहाँ पे अपना बॉल है मिडिल पॉकेट के आसपास, लेकिन इसके बाद अपने को ये बॉल को खेलना है बॉटम राइट में, ठीक है. तो अब अपने ब्लैक बॉल से कौन सी लाइन जो है वो बॉटम, मतलब कौन सी लाइन ऐसी है जो बॉटम राइट पॉकेट में बैठेगी, तो वो ये वाली लाइन है जो तुम लोग देख सकते हो सामने. एक बार तुमने, तुम्हारा बॉल की पोजीशन कहीं पर भी रहे उससे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता, पर यहाँ पर देख लो तुम लोग, ये लाइन जो है तुम्हें दिमाग में इमेजिन करनी है. जैसे ही तुम लोग ने इमेजिन कर लिए डॉट के हेल्प से, उसके बाद बस तुम्हें जो है एक पैरेलल लाइन बनानी है कुछ इस तरीके से, जो लाइन जो डॉट के वाली है ना उसके बाजू में बस एक पैरेलल लाइन इमेजिन करनी है. यही है छोटा सी थोड़ा सी ट्रिकी. और जैसे ही तुम लोग ने पैरेलल लाइन इमेजिन कर ली, बूम बाम हो जाएगा भाई, तुम लोग का लंबा सफ़र शॉट पास हो जाएगा. मैं हमेशा तुम लोग को ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि इसको तुम 100% फोर्स के साथ खेलो, पर तुम लोग इसको खेल सकते हो मतलब 75% से 80% फोर्स से, और ये हमेशा हमेशा सक्सेस होता है. एक बार तुम लोग ने डॉट्स के थ्रू लंबा सफ़र शॉट कैलकुलेट करना सीख लिया ना भाई साहब, उसके बाद देर इज़ नो लुकिंग बैक, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता. मैं तुम लोग को सच बता रहा हूँ, जो आज के टाइम में जो टूल वाले लोग खेलते हैं, बुरा नहीं मानना कोई टूल वाला प्लेयर ये वीडियो देख रहा है तो, पर भाई जो तुम लोग कर, जो इंसान से खुद नहीं होता ना यार, जो इंसान खुद कुछ नहीं कर पाता है तो वो दूसरों का सहारा लेता है, ठीक है, ये बात तो फैक्ट है. तो इसमें यहाँ पे मैं नहीं बोलूँगा भाई तुम लोग को नहीं आता खेलने, तुम लोग सबसे बड़े नूब हो, जो भी टूल यूज़र अगर इस वीडियो को देख रहा है तुम लोग बहुत बड़े नूब हो, तुम लोग से खुद कुछ नहीं होता है, इसलिए तुम लोग टूल का सहारा लेकर गेम ख़राब कर रहे हो, फेयर प्लेयर्स का गेम और भी ज़्यादा ख़राब कर रहे हो, तो ये वो चीज़ है. फिलहाल मैं तुम लोग को ये अकाउंट दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ये है अब्दुल रहमान का, ये एक्चुअली मैंने ही उसे दिया था, सेल किया था काफ़ी टाइम पहले, साल भर से ऊपर हो गया है. बहुत ही प्यारा अकाउंट है, सेक्सी अकाउंट है, मैंने लिया उस बंदे से, पहचान का है अपने, हैदराबाद में रहता है, तो मैंने लिया. मैंने बोला भाई वेनिस खेलना है तो यार अकाउंट दे दो कुछ देर के लिए, उसने ऑलरेडी वेनिस बाय रखा था. और ये फिक्स बैकअप अकाउंट है, 13.8 मिलियन या 13.9 मिलियन इसमें बर्लिन में रिटर्न आ जाता है हारने पर. फुल बैकअप अकाउंट तुम लोग जिसको बोल सकते हो वो ये वाला अकाउंट है, ठीक है. तो आज के टाइम पे यार वेनिस खेलना, मैं सच बता रहा हूँ, आज के टाइम पे वेनिस खेलने के लिए ना या तो तुम्हारी गांड में होना चाहिए थोड़ा सी गुद्दू, या तुम इंसान होने चाहिए थोड़े सी बुद्धू, ठीक है. तो इसके बावजूद, क्योंकि वेनिस में यार मुझे 100 प्लेयर भी ऑनलाइन है, 100 से कम प्लेयर ऑनलाइन शो करते हैं, और इसमें भी अगर तुम्हारा अकाउंट जो है वो 200, 300, 400 लेवल वाला है तो तुम्हें चीटो मिलना शुरू हो जाएंगे. और अगर तुम्हारा अकाउंट हाई लेवल है जैसे कि ये वाला जो 600 लेवल पे, तो इसमें तुम्हें टूल यूज़र्स मिलना मतलब शुरू हो जाएंगे. तो वेनिस इस समय खेलना बिल्कुल ही सही नहीं है. मैं अपने रैंडम बैकअप अकाउंट में सोच भी नहीं सकता था वेनिस खेलने का, इसलिए मैंने जो है फिक्स बैकअप वाला लिया, बिकॉज ज़्यादा कॉइन जिसमें नहीं हारेगा इंसान,
ये वाला गेम यार बहुत ही प्यार से इनडायरेक्ट डिनाइल हो सकता था बहुत ही प्यार से। ये वाले में ना मैं नॉर्मली जो मेरा नॉर्मल गेम है वो मैं नहीं खेल रहा था, इसमें मैं ना हर एक शॉट जो है वो डॉट के थ्रू, मतलब जितने भी इनडायरेक्ट खेला हो मैंने वो डॉट के थ्रू कैलकुलेट करके मैं खेल रहा था, ताकि मैं तुम लोग को बता सकूँ क्या हिसाब है। अभी ये ब्लू बॉल देखो कहाँ पर है, लाइन अपन ने इमेजिन कर ली है, बॉटम या टॉप बॉटम सेंटर वाली लाइन अपनी इमेजिन हो जाएगी, और इसके बाद बस एक पैरेलल लाइन बनानी है और छोड़ देना है वहाँ पे, और ये सीधा पास हो जाएगा। कुछ करने की ज़रूरत नहीं, एक बार तुम लोग ने अगर कैलकुलेट करना सीख लिया ना भाई डॉट के थ्रू, तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता है। बाय द वे ये वाला वीडियो मुझे अपलोड करने में इतनी देरी इसलिए हो गई क्योंकि मुझे कोई जगह नहीं मिल रही थी वॉइस ओवर करने के लिए। अभी फ़िलहाल बज रहा है रात के 3:30 और मैं तुम लोग को बता भी नहीं सकता कि मैं कहाँ पर कर रहा हूँ ये वाला वॉइस ओवर, ठीक है। तो ये वन टेक वीडियो बनाऊंगा मैं और अपलोड कर दूंगा, मुझे पता नहीं कैसा है क्या है, आवाज़ भी ठीक से आ रही है या नहीं, पर तुम लोग समझ के ले लेना। और ठीक है यार, चलिए इतना चलता है थोड़ा बहुत। ये इनडायरेक्ट डिनाइल हो सकता था, सारे के सारे शॉट अपन ने इनडायरेक्ट खेले हैं अभी तक के, पर यहाँ पर अगर मेरा क्यू बॉल थोड़ा साथ दे देता ना, थोड़ा राइट साइड में आ जाता, तो ऑब्वियसली यार अपन पर्पल या ब्राउन को बॉटम राइट खेल कर इसे इनडायरेक्ट डिनाइल बना सकते थे, पर ऐसा नहीं हुआ। तो ये कह रहा था मैं कि ये जो अकाउंट है ये अब्दुल रहमान का है, और है अपना दोस्त शूटर दे दिया जिसने अपने को ये वाला अकाउंट। अभी तक तुम लोग वीडियो पे बने हो तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो जिसने नहीं किया है, इंस्टा पे फॉलो करो, और एक नई चीज़ मैंने लाया है फेसबुक का पेज, उसको भी फॉलो कर लो। मैंने बोला था कि 25 अकाउंट 80 लेजेंडरी बॉक्स का गिव अवे अपन करने वाले हैं, उसके लिए तुम्हें 1000 फॉलोअर्स करना पड़ेगा फेसबुक पेज पे, और अभी तक सिर्फ 125-130 ही हुए हैं, तो उसका रिजल्ट तो मैं नहीं निकालूंगा जब तक के 1000 फॉलोअर नहीं होते फेसबुक के पेज पे। पर यहाँ पर मेरे साथ मसले देखो कुछ इस तरीके के हो गए ना भाई कि मेरा टाइम चला गया, और ये इसलिए गया क्योंकि मैं अपना नॉर्मल गेम प्ले छोड़ कर मैं उसे कैलकुलेट करने चला गया। हाँ, शुरू में तुम लोग को बहुत 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 ही ज़्यादा टाइम लगेगा दिमाग में सोचने के लिए कि भाई डॉट से ये वाला डॉट कहाँ जाता है, वो क्या होता है, वो क्या होता है, पर एक बार अगर तुम्हारे दिमाग में वो कैलकुलेशन बैठ गई ना, तो बहुत ही इजीली तुम लोग लंबे सफ़र वाले हर एक इनडायरेक्ट शॉट खेल पाओगे, ठीक है। मैं सिर्फ इनडायरेक्ट शॉट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर ट्रिक शॉट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो एक गेम था, ये मैं तुम लोग को अभी लास्ट गेम दिखाऊँगा आज के वीडियो का, और बस और क्या भाई, वेनिस में खेलने में मज़ा आता है, हमेशा से आता रहा है, क्योंकि बर्लिन एक टाइम पे बोरिंग हो जाता है, बहुत ही स्लो कॉइन्स इंक्रीज होते हैं बर्लिन में, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्लो, ठीक है। एक गेम तुम जीतते हो तुम्हारी ब्रेक होती है, एक गेम ओपोनेंट जीतता है ओपोनेंट की ब्रेक होती है, फिर एक तुम, फिर ओपोनेंट, नसीब तुम्हारी ख़राब होगी तो ब्रेक में तुम्हारा क्यू बॉल चले जाएगा और फिर ओपोनेंट जीत जाएगा, तो ये सब कुछ चलते रहता है बर्लिन में। तो बहुत मर मर के धीरे धीरे कछुए की चाल चलते चलते अपने कॉइन्स इंक्रीज होते हैं बर्लिन में। वेनिस एक था जिसमें बहुत अच्छे से कॉइन्स इंक्रीज होते थे बैकअप अकाउंट के थ्रू, अपने पास भी हुआ करता था बैकअप अकाउंट, तुम्हें याद होगा तो बहुत ही प्यार से भाई एक एक दिन में जो है 5-5 बिलियन कॉइन्स भी इंक्रीज किया हो मैंने, खुद किया हो बैकअप अकाउंट में, तो मैं क्या ही बोलूँ तुम लोग को, ठीक है। तो कुछ नहीं, थोड़ा चलते रहते हैं, वाला वीडियो मेरे को थोड़ा फ़नी उसमें मोड पे बनाने का था, पर अभी रात के 3:30 हो रहे हैं और यहाँ पे मेरी कान फट रही है, तो ठीक है चली जाए। यहाँ पे बहुत स्लो खेल रहा हूँ मैं क्योंकि जो लास्ट टेबल आया था स्लिपरी आइस का गेम में, उसकी वजह से उसमें इतना स्लो खेलो तो भी फास्ट लग जाता था, तो उसने आदत डाल दिया थोड़ा और स्लो खेलने की, तो मैं यहाँ पर स्लो खेल रहा हूँ। ये था फिलहाल इस वीडियो का आखिरी शॉट। मैं तुम लोग को बोलूँगा अगर ये वीडियो ने तुम्हें थोड़ी भी हेल्प किया हो, पता नहीं मुझे, पर मैंने बहुत मेहनत किया ये वाला बनाने के लिए,